हाय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मजेदार वेजिटेबल्स आलू के कबाब हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, मेरी अम्मा की खास रेसिपी है। जब मेरी अम्मा, हम लोग छोटे छोटे होते थे और मेरी अम्मा घर में ये कबाब बनाती थी, तो हम सारे बहन भाई लड़ाई करते थे, अम्मा हमें ज़्यादा दें, हमें ज़्यादा दें, हमें ज़्यादा दें। लेकिन आप लोग अपने घर में इसे ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि मेरी अम्मा की ये खास रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं हम लोग किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से अपने कबाब। जी नाज़रीन, हमें जो इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स चाहिए आप लोग नोट कर लीजिए। हमें इसके लिए चाहिए बॉयल आलू 4 से 5 अदद, ब्रेड क्रम्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई हरी प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून हमें इसके लिए चाहिए कुटी हुई मिर्च, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, अंडा 1 अदद। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपने आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, तो ये हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम अपने इसमें चीज़ ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, जी हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी, हरा धनिया, गाजर ऐड कर दी, टेबल, हरी प्याज। बच्चे इतने शौक से खाते हैं कबाब, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी भी होते हैं और बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। कुटी मिर्च, काली मिर्च है, नमक, जी तो ये सब ऐड कर लिया हमने। जी तो फ्रेंड्स, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बड़े ही मज़ेदार और लजीज से कबाब बनेंगे ये, और ये सारी चीज़ें हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं। आप लोग अपने बच्चों को खिलाएं, एंजॉय करें, हेल्दी भी हैं। टिक्किया हमें गोल बनानी है, आप लोग चाहें जैसे भी इसको शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, जो आप लाइक करें। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब को बना लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपनी देखें सारी टिक्कियां रेडी कर ली है आलू की। अब हम एक अंडा लेंगे, अंडा लिया हमने, हल्का सा बीट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने अंडे को अपने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले कबाब को अंडे में लगाएंगे, उसके बाद हम ये जो हमने ब्रेड क्रम्स रखे थे इसमें, इससे इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार हमारे कबाब बनेंगे कि आप लोग जब ये घर में ट्राई करेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब है। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब को कर लेंगे एक एक करके। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कबाब डालूंगी। जी फ्रेंड्स, तो ये एक एक करके मैं कबाब इसमें ऐड करूंगी, फ्राई करूंगी। हमें मीडियम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं हमें फ्राई करना है। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, लाइट गोल्डन हमें इसे कलर देना है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलटेंगे। जी नाज़रीन, तो ये हमारे कबाब एक तरफ से देख लेते हैं गोल्डन हो गए हैं। जी ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। इस तरीके का हमें कलर लाना है और ऐसे गोल्डन करने हैं हमें कबाब। ब्रेड
बड़े ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। ये देखें, कलर चेक करें आप, वाओ माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। ये देखें आप, मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हैं। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मज़ेदार आलू के कबाब की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा। बच्चों की बहुत फेवरेट होते हैं आलू के कबाब, अपने बच्चों को खिलाइएगा और बड़ों को भी खिलाइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.